तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं द वेक्स ऑफ फायर नाम की इस एक तरह से अपकमिंग मूवी के बारे में जो कि नेटफ्लिक्स पर हमें देखने को मिलने वाली है दोस्तों इस टाइटल से पहले भी हमें एक तरह से कई मूवीज सीरीज देखने को मिल चुकी है लेकिन उन सब से ये अलग एक तरह से अंदाज में हमें नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है तो आज हम इसी के ऊपर बात करने जा रहे हैं इसके पूरी एक तरह से प्री प्रोडक्शन रिलीजिंग कास्टिंग साथ ही साथ आपको एक तरह तो से कितनी लेंथ की और कौन कौन से मूवी में देखने को मिलने वाला है सारी कुछ जानकारी इसी वीडियो वीडियो में दूंगा तो को लाइक कर दे चैनल को सब्सक्राइब कर दे अब इसके बारे में हम जानना चालू करते हैं एक थ्रिलर फिल्म है जो हेनरी जॉर्जेस क्लूजोट द्वारा निर्देशित और लिखित है और इसमें यवेस मोटेन्ड चार्ल्स वेनेल पीटर वैन आइक और वेरा क्लूजोट ने अभिनय किया है यह फिल्म चार खराब किस्मत वाले यूरोपीय पुरुषों के एक समूह पर केंद्रित है जिन्हें एक अमेरिकी तेल कंपनी द्वारा पहाड़ी गंदगी वाली सड़कों पर दो ट्रक चलाने के लिए काम पर रखा जाता है जिसमें तेल के कुएं में लगी आग को बुझाने के लिए आवश्यक नाइट्रोग्लिसरीन भरी होती है इसे 1950 में जॉर्जेस अर्नॉर्ड के फ्रांसीसी उपन्यास से रूपांतरित किया गए है इस फिल्म ने क्लूजोट को अंतरराष्ट्रीय उन्नीस सौ तिरपन के बर्लिन फिल्म फेस्टिवल और कांस फिल्म फेस्टिवल में क्रमशः गोल्डन बियर और पाल्मे डिओर दोनों जीते और उन्हें लेस डायबोलिक्स उन्नीस सौ पचपन का निर्देशन करने में सक्षम बनाया फ्रांस में कुल लगभग सात मिलियन प्रवेश के साथ यह वर्ष की चौथी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म थी दो कथानक फ्रांसीसी मारियो और जो जर्मन बिंबा और इतालवी लुइगी लास पिएड्रास के अलग थलग शहर में फंस गए हैं रेगिस्तान से घिरा यह शहर बाहरी दुनिया से केवल एक हवाई पट्टी द्वारा जुड़ा हुआ है लेकिन हवाई किराया लोगों की पहुंच से बाहर है शहर पर प्रभुत्व रखने वाली अमेरिकी निगम सदर्न ऑयल कंपनी एसओसी जो पास के तेल क्षेत्रों का संचालन करती है और शहर के भीतर एक दीवार वाले परिसर का मालिक है के अलावा रोजगार के बहुत कम अवसर हैं एसओसी स्थानीय श्रमिकों का शोषण करती है और कानून को अपने हाथ में लेती है लेकिन शहरवास कि इस पर निर्भर रहते हैं और चुपचाप पीड़ित होते हैं मारियो एक व्यंग्यात्मक कोर्सिकन प्लेबॉय है जो अपने समर्पित प्रेमी लिंडा के साथ तिरस्कारपूर्ण व्यवहार करता है जो एक उम्रग्रास पूर्व गैंगस्टर है जिसने हाल ही में खुद को शहर में फंसा हुआ पाया बिम्बा एक प्रखर शांत व्यक्ति हैं जिनके पिता की नाज़ियों ने हत्या कर दी थी और जिन्होंने खुद तीन साल तक नमक की खदान में काम किया था मारियो का रूममेट लोईगी एक जिंदा दिल मेहनती आदमी है जिसे अभी पता चला है कि वह अपने फेफड़ों में सीमेंट की धूल से मर रहा है पेरिस में रहने के कारण उनकी सामान्य पृष्ठभूमि के कारण मारियो जो से मित्रता करता है लेकिन उसके जुझारू अहंकारी व्यक्तित्व के कारण जो और कैंटीना के अन्य नियमित लोगों के बीच दरार पैदा हो जाती है एसओसी तेल क्षेत्रों में से एक में बड़ी आग लग गई आग की लपटों को बुझाने और कुएं को ढकने का एकमात्र तरीका नाइट्रोग्लिसरीन द्वारा उत्पन्न विस्फोट है अल्प सूचना और उचित उपकरणों की कमी के कारण इसे एसओसी मुख्यालय से 500 किलोमीटर 300 मील दूर दो बड़े ट्रकों में रखे जेरिकेन के भीतर ले जाया जाना चाहिए सड़कों की खराब हालत और नाइट्रोग्लिसरीन की अत्यधिक अस्थिर प्रकृति के कारण संघबद्ध एसओसी कर्मचारियों के लिए यह काम बहुत खतरनाक माना जाता है कंपनी के फोरमैन बिल ओब्रायन स्थानीय समुदाय से ट्रक ड्राइवरों की भर्ती करते हैं खतरों के बावजूद कई स्थानीय लोग उच्च वेतन के लालच में स्वेच्छा से काम करते हैं प्रति ड्राइवर 2000 अमेरिकी डॉलर यह उनके लिए सौभाग्य है शायद उनके मृतप्राय जीवन से बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता है आवेदकों के समूह को चार ड्राइवरों तक सीमित कर दिया गया है मारियो डिम्बा और लुइगी को चुना गया है साथ ही स्मरलॉफ नाम के एक जर्मन को भी चुना गया है स्मरलॉफ नियत दिन पर उपस्थित होने में विफल रहता है इसलिए जो जो रायन को उसके शराब तस्करी के दिनों से जानता है उसकी जगह लेता है अन्य ड्राइवरों को संदेह है कि जो ने अपनी नियुक्ति को सुविधाजनक बनाने के लिए किसी तरह से स्मरलौफ को डराया धमकाया जो और मारियो एक वाहन में नाइट्रोग्लिसरीन का परिवहन करते हैं लुइगी और बिम्बा दूसरे स्थान पर हैं संभावित हताहतों की संख्या को सीमित करने के लिए उन्हें 30 मिनट के लिए अलग रखा गया है ड्राइवरों को शारीरिक और मानसिक बाधाओं की एक श्रृंखला से निपटने के लिए मजबूर किया जाता है जिसमें वॉशबोर्ड नामक बेहद उबड़ खाबड़ सड़क का एक हिस्सा एक निर्माण अवरोध जो उन्हें एक चट्टान के ऊपर एक सड़े हुए मंच के आसपास चलने के लिए मजबूर करता है और सड़क को अवरुद्ध करने वाला एक पत्थर शामिल है जो को पता चलता है कि उसकी नसें वैसी नहीं हैं जैसी वे हुआ करती थीं और अन्य लोग जो से उसकी बढ़ती कायरता के बारे में बात करते हैं अंत लुइगी और बिंबा के ट्रक में बिना किसी चेतावनी के विस्फोट हो गया जिससे उन दोनों की मौत हो गई मारियो और जो विस्फोट स्थल पर पहुंचते हैं और देखते हैं कि विस्फोट में टूटी हुई पाइपलाइन से एक बड़ा गड्ढा तेजी से तेल से भर रहा है मारियो को तेल से भरे गड्ढे से निकलने में मदद करने के लिए जो वाहन से बाहर निकलता है हालांकि ट्रक के फंसने का खतरा है और ट्रक को फंसने से बचाने की उनकी उन्मत्त कोशिशों के दौरान मारियो जो के ऊपर चढ़ जाता है हालांकि अंत वाहन को गंदगी से मुक्त कर दिया गया लेकिन जो गंभीर रूप से घायल हो गया तेल क्षेत्र में पहुंचने पर मारियो और जो को नायक के रूप में सम्मानित किया जाता है लेकिन जो मर जाता है और मारियो थकावट से गिर जाता है ठीक होने पर वह उसी ट्रक में घर जाता है वह अपने दोस्तों की मृत्यु के बाद दोगुना वेतन इकट्ठा करता है और एसओसी द्वारा दी जाने वाली ड्राइवर की पेशकश को अस्वीकार कर देता है जब शहर के कैंटीना में एक पार्टी आयोजित की जा रही थी तो मारियो खुशी से एक पहाड़ी सड़क पर गाड़ी चला रहा था जहां मारियो के दोस्त उसके आगमन का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे वह एक ही सड़क पर कई बार मौत को धोखा देकर लापरवाही से और जानबूझकर घूमता है लिंडा कैंटीना में नृत्य यह करते हुए बेहोश हो गई मारियो बहुत तेजी से एक मोड़ लेता है और रेलिंग से गिरकर उसकी मौत हो जाती है कास्ट करें मारियो के रूप में यवेस मोन्टैंड जो के रूप में चार्ल्स वेनेल लुइगी के रूप में फोल्को लुली बिम्बा के रूप में पीटर वैन आइक, लिंडा के रूप में वेरा क्लूजोट बिल ओब्रायन के रूप में विलियम टब्स डारियो मोरेनो हर्नांडेस के रूप में जो डेस्ट स्मरलॉफ के रूप में बर्नार्डो के रूप में लुइस डी लीमा शिविर प्रमुख के रूप में एंटोनियो सेंटा रोजा के रूप में डार्लिंग लेगेटिमस स्वागत और विरासत द वेजेज ऑफ फियर की मूल रिलीज पर आलोचनात्मक सराहना की गई थी द न्यूयॉर्क टाइम्स के बॉसली क्रॉथर ने लिखा उत्साह पूरी तरह से नाइट्रोग्लिसरीन के बारे में जागरूकता और इसे सावधानी से बेदम तरीके से संभालने से उत्पन्न होता है आप थिएटर में विस्फोट होने के इंतज़ार में वहां बैठे रहते हैं तीन यह फिल्म जनता के बीच भी हिट रही फ्रांस में छह नौ सौ चवालीस तीन सौ टिकटें बिकीं जहां यह साल की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी चार पांच उन्नीस सौ बयासी में केल ने इसे एक अस्तित्व पर थ्रिलर पचास के दशक का सबसे मौलिक और चौंकाने वाला फ्रांसीसी मेलोड्रामा कहा जब आप किसी भी क्षण उड़ाए जा सकते हैं तो केवल एक मूर्ख ही विश्वास करता है कि चरित्र भाग्य निर्धारित करता है यदि यह है यह आधुनिक दुनिया में मनुष्य की स्थिति का एक दृष्टांत नहीं है कम से कम इसका एक उदाहरण है हिंसा का उपयोग मानव अस्तित्व की दृष्टि को बल देने के लिए किया जाता है छ उन्नीस सौ बानवे में रोजर एबर्ट ने कहा कि फिल्म के विस्तारित सस्पेंस दृश्यों को सिनेमा के महान हिस्सों में जगह मिलनी चाहिए सात लियोनार्ड माल्टिन को फिल्म तीन से सम्मानित किया गया प्लस चार में से एक दो सितारे इसे अद्भुत रूप से किरकिरा और बेहद रहस्यमय महाकाव्य कहते हैं आठ दो हज़ार दस में फिल्म को एम्पायर की विश्व सिनेमा की एक सौ सर्वश्रेष्ठ फिल्में में नौवें स्थान पर रखा गया था नौ वेबसाइट रॉटन टोमाटोज ने बताया कि सैंतालीस समीक्षाओं के आधार पर एक सौ परसेंट सर मीक्षकों ने फिल्म को सकारात्मक समीक्षा दी है जिसका औसत भार आठ दशमलव नौ शून्य बटा दस है इसके आलोचकों की सर्वसम्मति में लिखा है एक अस्तित्वगत सस्पेंस क्लासिक द वेज ऑफ फियर में नॉनस्टॉप सस्पेंस को कड़वे व्यंग्य के साथ मिश्रित किया गया है इसका प्रभाव आज भी थ्रिलर पर महसूस किया जा रहा है दस मेटाक्रिटिक ने पंद्रह आलोचकों की समीक्षाओं के आधार पर एक सौ में से पचासी का स्कोर बताया है जो सार्वभौमिक प्रशंसा को दर्शाता है ग्यारह ब्रिटिश अमेरिकी फिल्म निर्माता क्रिस्टोफर नोलन अपनी फिल्म डनकर्क के लिए द वेज ऑफ फियर से काफी प्रभावित थे बारह पुनर्स्थापना और होम वीडियो क्लूजोट की सबसे प्रसिद्ध और सबसे सफल फ़िल्मों में से एक द वेज ऑफ फियर को हर होम वीडियो प्रारूप पर व्यापक रूप से रिलीज किया गया है तेरह चौदह पंद्रह हालांकि मूल एक सौ तिरपन मिनट के फ़्रेंच नाटकीय संस्करण की विशेषता वाली एक फ्रांसीसी डीवीडी टीएफ एक वीडियो 2001 को छोड़कर हाल तक अधिकांश रिलीज में केवल थोड़ा संपादित एक मिनट का संस्करण शामिल था मूल नकारात्मक पर आधारित और सिनेमैटोग्राफर गिलाउम शिफमैन की देखरेख में एक व्यापक चार के पुनर्स्थापना 2017 में पूरी हुई 16 इसने ऑडियो और वीडियो की गुणवत्ता में काफी सुधार किया है 17-18 और इसे ब्लू रे डीवीडी पर जारी किया गया है और फ्रांस में डीसीपी टीएफ एक वीडियो यूके डीएफआई और जापान आईवीसी क्लूजोट की बेटी की मंजूरी से उन्नीस सौ छियानवे में फिल्म को रंगीन बनाया गया था उन्नीस बाद में इसे फ्रेंच टेलीविजन पर प्रसारित किया गया और फ्रेंच वीएचएस पर रिलीज किया गया बीस पुरस्कार जीत तीसरा बर्लिन अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोल्डन बियर 21 छठा कांस फिल्म महोत्सव पाल्मे डीओर 22 आठवां ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फिल्म तेईस रीमेक उन्नीस में हॉवर्ड डब्ल्यू कोच द्वारा निर्देशित वायलेंट रोड उर्फ हेल्स हाईवे और 1977 में विलियम फ्रीडकिन द्वारा निर्देशित सॉर्सेरर अमेरिकी रीमेक हैं हालांकि पहले को इस तरह का श्रेय नहीं दिया गया है फ्राइडकिन ने बाद वाले को मूल उपन्यास का रूपांतरण बताया चौबीस कथानक को 1980 के दशक की अमेरिकी टीवी श्रृंखला मैकगाइवर हेलफायर एस शून्य एक ई शून्य आठ के एक एपिसोड के लिए अनुकूलित किया गया था 25 26 नेटफ्लिक्स द्वारा मार्च 2024 के अंत में तीसरा रीमेक रिलीज होने वाला है जूलियन लेकलर्क द्वारा निर्देशित नई फिल्म में फ्रैंक गैस्टाम्बाइड अल्बान लेनोर एना गिरारडॉट और सोफियान जर्मानी हैं सत्ताईस जॉर्जेस ऑरिक फ्रांसीसी के पंद्रह फरवरी एक हज़ार आठ सौ निन्यानवे तेईस जुलाई उन्नीस सौ तिरासी एक फ्रांसीसी संगीतकार थे जिनका जन्म लॉडेव हेरोट फ्रांस में हुआ था एक उन्हें लेस सिक्स में से एक माना जाता था जो अनौपचारिक रूप से जीन कोक्ट्यू और एरिक सैटी से जुड़े कलाकारों का एक समूह था दो बीस साल के होने से पहले उन्होंने कई बैले और स्टेज प्रस्तुतियों के लिए आकस्मिक संगीत तैयार किया और लिखा था फिल्म संगीतकार के रूप में भी उनका लंबा और प्रतिष्ठित करियर रहा प्रारंभिक जीवन और शिक्षा जॉर्जेस ऑरिक ने अपने संगीत करियर की शुरुआत कम उम्र में की थी उन्होंने 14 साल की उम्र में सोसाइटी म्यूजिकल इंडिपेंडेंट में एक पियानो वादन प्रस्तुत किया था तीन उनके द्वारा लिखे गए कई गीत अगले वर्ष सोसाइटी नेशन लेडी म्यूजिक द्वारा प्रस्तुत किए गए थे चार पेशेवर रूप से अपनी प्रारंभिक सफलताओं के साथ ऑरिक ने पेरिस संगीत विद्यालय में संगीत का अध्ययन किया साथ ही स्कोला कैंटोरम डे पेरिस में विंसेंट डीन डी दी और अल्बर्ट रॉसेल के साथ रचना का अध्ययन किया पांच छह रचना और पियानो प्रदर्शन दोनों में एक पर प्रतिभाशाली बच्चे के रूप में पहचान हासिल करने के बाद वह अगले दशक के दौरान एरिक सैटी के शिष्य बन गए 1910 और 20 के दशक के दौरान वह पेरिस में अवांट गार्डे संगीत में एक महत्वपूर्ण योगदान करता थे और कोक्ट्यू और लेस सिक्स के अन्य संगीतकारों से काफी प्रभावित थे साथ कैरियर एक जीन कोक्ट्यू द्वारा व्यंग्य चित्र उन्नीस ऑरिक की प्रारंभिक रचनाओं को संगीत प्रतिष्ठान और संदर्भात्मक सामग्री के उपयोग के खिलाफ प्रतिक्रिया द्वारा चिन्हित किया गया था इसके कारण और कोकट्यू और सैटी के साथ उनके जुड़ाव के कारण ऑरिक को संगीत समीक्षक हेनरी कोलेट द्वारा लेस सिक्स में समूहीकृत किया गया था और वह कलाकार जीन ह्यूगो के मित्र थे उनकी भागीदारी से कविता और अन्य ग्रंथों को गीत और संगीत के रूप में लिखने का मार्ग प्रशस्त हुआ अन्य पांच संगीतकारों के साथ उन्होंने एल्बम एल देस सिक्स में एक अंश का योगदान दिया 1921 में कोक ने उनसे अपने बैले लेस मैरीस ला टूर एफिल के लिए संगीत लिखने के लिए कहा उनके पास समय की कमी थी इसलिए उन्होंने लेस सिक्स के अपने साथी संगीतकारों से कुछ संगीत में योगदान देने के लिए कहा लुई ड्यूरे को छोड़कर सभी सहमत थे इस दौरान उन्होंने अपना वन एक्ट ओपेरा सूस मास्क उन्नीस लिखा एक पुराना ओपेरा लारेंडे कोल्यूर 1919 उन्नीस खो गया है 1927 में ही उन्होंने बच्चों के बैले लवेंटेल डी जीन के लिए रोन्डेव में योगदान दिया था जो 10 फ्रांसीसी संगीतकारों का एक सहयोग था उन्नीस में उन्होंने एक और सहयोग आर्केस्ट्रा विविधताओं के सेट ला गुर्लैंडेडी कैंपरा में भाग लिया लेस सिक्स हालांकि एक अनौपचारिक और अल्पकालिक समूह था जो उस समय की संगीत स्थापना के खिलाफ प्रतिक्रिया और बेतुकेपन और व्यंग्य को बढ़ावा देने के लिए जाना जाता था समूह ने वैगन के विरुद्ध भी वैसा ही विद्रोह किया जैसा उसने डेब्यूसी के विरुद्ध किया था और एक सहित इन संगीतकारों के संगीत ने उस समय पेरिस के विशिष्ट सांस्कृतिक परिदृश्य का प्रतिनिधित्व किया और रूसी और जर्मन संगीत द्वारा लाई गई अंतरराष्ट्रीय शैलियों साथ ही डेब्यूसी के प... प्रभाववाद और प्रतीकवाद को खारिज कर दिया आठ एक लोकलुभावन संगीतकार के रूप में औरिक्काबाद का विकास लेस सिक्स की कई तकनीकों और आदर्शों विशेष रूप से लोकप्रिय संगीत और स्थितियों के उपयोग से निर्धारित हुआ था सर्कस या डांस हॉल के संगीत ने लेस सिक्स के संगीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई खासकर उनके वास्तविक सहयोग में नौ हालांकि लेस सिक्स जल्द ही अलग हो गए और एक और अन्य लोगों ने अपनी कला के लिए अलग अलग दृष्टिकोण अपनाए एक अग्रणी संगीतकार के रूप में अपनी शुरुआती सफलताओं के बाद और एक 1930 के दशक के दौरान एक संक्रमणकालीन दौर से गुजरे उन्होंने 1930 में फिल्म के लिए लिखना शुरू किया और 1931 में नूसला लिबर्टे के लिए संगीत तैयार किया जिसे खूब सराहा गया फिल्म के लिए और के स्कोर को आम सहमति मिली दस जब वह एक फिल्म संगीतकार के रूप में एक सफल करियर की शुरुआत कर रहे थे तब उनका संगीत ठहराव और बदलाव के दौर से गुजरा उनकी पियानो सोनाटा 1931 को बहुत कम सराहना मिली और इसके बाद पांच साल की अवधि में उन्होंने बहुत कम लिखा जिसमें उनके पहले तीन फिल्म स्कोर भी शामिल थे कोकट्यू के साथ उनका जुड़ाव इस अवधि के दौरान कोकट्यू के लेसांग सांग पोएटे के स्कोर की उनकी रचना के साथ जारी रहा हालांकि उन्होंने लोकलुभावन दृष्टिकोण के पक्ष में उन्नीस तक अपने शुरुआती वर्षों के अभिजात्य और अत्यधिक संदर्भात्मक रवैये को त्याग दिया ग्यारह वह वामपंथी समूहों और प्रकाशनों से जुड़े जिनमें एसोसिएशन डेस एक्वेंस एट एक डेस आर्टिस्ट्स रिवोल्यूशन नेयर्स ए आर मैसन डेला कल्चर और फेडरेशन म्यूजिकल पॉपुलर शामिल हैं उन्होंने रचना करने का कर लिए चार रणनीतियाँ अपनाई पहला अन्य वामपंथी कलाकारों के साथ समूहों में भाग लेना दूसरा अधिक शैलियों में लिखकर व्यापक दर्शकों तक पहुँचना तीसरा युवा दर्शकों के लिए संगीत लिखना और चौथा अपने राजनीतिक विचारों को अपने संगीत में अधिक सीधे तौर पर व्यक्त करना साथ फिल्म संगीतकार के रूप में औरक ने अपने करियर में जिन फिल्मों को चुना वे इन नई नई मान्यताओं के साथ साथ पुराने जुड़ावों से भी प्रभावित थीं उन्होंने लेस सिक्स के दिनों से अपने लंबे समय से सहयोगी रहे जीन कोकट्यू के साथ ग्यारह फिल्मों में सहयोग किया बारह उन्होंने इन वर्षों में बड़ी संख्या में फिल्मों के लिए संगीत तैयार किया जिनमें फ़्रांस इंग्लैंड और अमेरिका में निर्मित फिल्में भी शामिल हैं उनके सबसे लोकप्रिय स्कोर में मॉलिन रूज का स्कोर है उस फिल्म का गाना वेयर इज योर हार्ट बहुत लोकप्रिय हुआ एक तीन एक नौ छः दो में जब वे ओपेरा नेशनल डी पेरिस के निदेशक और फिर फ्रेंच परफॉर्मिंग राइट्स सोसाइटी एसएसीएम के अध्यक्ष बने तो उन्होंने मोशन पिक्चर्स के लिए, लिए लिखना छोड़ दिया और ने अपनी मृत्यु तक विशेषकर हवाओं के लिए शास्त्रीय चैंबर संगीत लिखना जारी रखा संगीत आलोचना और एक के करियर का एक और प्रमुख पहलू था उनकी आलोचना लेस सिक्स और कोक्ट्यू के आदर्शों को बढ़ावा देने पर केंद्रित थी जिन्हें एस्प्रिट नोव्यू के नाम से जाना जाता है विशेष रूप से उनकी आलोचना डेब्यूसी वैगन सेंट सेंस और मैसेनेट के कथित दिखावटीपन के साथ साथ उनकी शैलियों का अनुसरण करने वालों के संगीत पर केंद्रित थी कोकट्यू लेस सिक्स और ऑरिक ने उन संगीतकारों के संगीत को वास्तविकता से अलग पाया और इसके बजाय लोकलुभावनवाद पर आधारित संगीत को प्राथमिकता दी चौदह व्यक्तिगत जीवन और राजनीति हेनरी जॉर्जेस क्लूजोट फ्रांसीसी आइक्लजो 20 नवंबर 1907 सौ सात बारह जनवरी उन्नीस एक फ्रांसीसी फिल्म निर्देशक पटकथा लेखक और निर्माता थे उन्हें थ्रिलर फिल्म शैली में उनके काम के लिए सबसे ज्यादा याद किया जाता है उन्होंने द वेज ऑफ फियर उन्नीस सौ तिरपन और लेस डायबोलिक्स उन्नीस सौ पचपन का निर्देशन किया था जिन्हें समीक्षकों द्वारा उन्नीस सौ पचास के दशक की सबसे महान फिल्मों में से एक माना जाता है उन्होंने द मिस्ट्री ऑफ पिकासो उन्नीस सहित वृत्तचित्र फिल्मों का भी निर्देशन किया जिसे फ़्रांस सरकार द्वारा राष्ट्रीय खजा न घोषित किया गया था क्लूजोट सिनेमा के शुरुआती प्रशंसक थे और एक लेखक के रूप में करियर की इच्छा रखते हुए पेरिस चले गए बाद में उन्हें निर्माता एडोल्फ ओस्सो ने बर्लिन में जर्मन फ़िल्मों के फ़्रेंच भाषा संस्करण लिखने के लिए काम पर रखा यहूदी निर्माताओं के साथ दोस्ती के कारण नाजी जर्मनी में यूएफए स्टूडियो से निकाले जाने के बाद क्लूजोट फ्रांस लौट आए जहां उन्होंने तपेदिक से पीड़ित होने के बाद वर्षों तक बिस्तर पर पड़े रहे ठीक होने पर उन्हें नाजी कब्जे वाले फ्रांस में जर्मन स्वामित्व वाली कंपनी कॉन्टिनेंटल फिल्म के लिए पटकथा लेखक के रूप में काम मिला कॉन्टिनेंटल में क्लूजोट ने ऐसी फ़िल्में लिखी और निर्देशित की जो बहुत लोकप्रिय थीं उनकी दूसरी फ़िल्म ले कॉर्ब्यू ने प्रांतीय फ्रांस पर अपने कठोर दृष्टिकोण के कारण विवाद खड़ा कर दिया और इसकी रिलीज से पहले उन्हें कॉन्टिनेंटल से निकाल दिया गया कॉन्टिनेंटल के साथ उनके जुड़ाव के परिणामस्वरूप उन्हें उन्नीस तक फ्रांसीसी सरकार द्वारा फ़िल्म निर्माण से प्रतिबंधित कर दिया गया था प्रतिबंध हटने के बाद क्लूजोट ने 1940 के दशक के अंत में क्वाइडेस और फेवर्स सहित सफल फिल्मों के साथ फ़्रांस में अपनी प्रतिष्ठा और लोकप्रियता फिर से स्थापित की अपनी कॉमेडी फ़िल्म मिक्केट की रिलीज के बाद क्लूजोट ने वेरा गिब्सन अमाडो से शादी की जो उनकी अगली तीन फीचर फिल्मों में अभिनय करेंगी 1950 के दशक की शुरुआत और मध्य में क्लूज़ोट ने द वेज ऑफ फियर और लेस डायबोलिक्स के लिए अंतर्राष्ट्रीय आलोचकों और दर्शकों से प्रशंसा प्राप्त की दोनों फ़िल्में दशकों बाद रीमेक के लिए स्रोत सामग्री के रूप में काम करेंगी ला वेरिटे की रिलीज के बाद उनकी पत्नी वेरा की दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई और क्लूजोट का करियर अवसाद बीमारी और फ़्रेंच न्यू वेव की फ़िल्मों के नए आलोचनात्मक विचारों के कारण प्रभावित हुआ क्लूजोट का करियर बाद के वर्षों में कम सक्रिय हो गया 1960 के दशक में कुछ टेलीविजन वृत्तचित्रों और दो फीचर फिल्मों तक सीमित हो गया उन्होंने 1970 के दशक में कई अप्रयुक्त स्क्रिप्ट लिखीं और 1977 में पेरिस में उनकी मृत्यु हो गई जीवनी प्रारंभिक वर्ष हेनरी जॉर्जेस क्लूजोट का जन्म नियोट ड्यूक्स सेवर्स में मां सुजैन क्लूजोट और पिता जॉर्जेस क्लूजोट एक किताबों की दुकान के मालिक के यहाँ हुआ था वह एक मध्यम वर्गीय परिवार के तीन बच्चों में से पहले थे एक क्लूजोट ने नाटक लिखकर और पियानो वादन करके प्रतिभा दिखाई तीन चार उनके पिता की किताबों की दुकान दिवालिया हो गई और परिवार ब्रेस्ट चला गया जहां जॉर्जेस क्लॉजाउट नीलामीकर्ता बन गए एक पांच ब्रेस्ट में हेनरी जॉर्जेस क्लूजोट नौसेना स्कूल गए लेकिन अपनी निकट दृष्टि के कारण नौसेना कैडेट बनने में ये असमर्थ रहे छ अठारह साल की उम्र में क्लूजोट राजनीति विज्ञान का अध्ययन करने के लिए पेरिस चले गए एक छः सात पेरिस में रहते हुए उनकी कई पत्रिका संपादकों से दोस्ती हो गई एक उनकी लेखन प्रतिभा उन्हें एक नाटककार गीतकार और एडॉप्टर पटकथा लेखक के रूप में थिएटर और सिनेमा की ओर ले गई उनके काम की गुणवत्ता के कारण निर्माता एडोल्फ ओस्सो ने उन्हें काम पर रखा और बर्लिन में स्टूडियो बेबिल्सबर्ग में काम करने के लिए जर्मनी भेजा जहां वे वहां शूट की गई विदेशी भाषा की फिल्मों की स्क्रिप्ट का अनुवाद कर। ते थे एक आठ कैरियर पटकथा लेखन करियर एक नौ तीन एक एक नौ चार दो उन्नीस सौ तीस के दशक के दौरान क्लूजोट ने बीस से अधिक फिल्मों के लिए स्क्रिप्ट संवाद और कभी कभी गीत लिखने और अनुवाद करने का काम किया नौ जर्मनी में रहते हुए उन्होंने एफ एडब्ल्यू और फ्रिट्स लैंड की फिल्में देखीं और उनकी अभिव्यक्तिवादी शैली से गहराई से प्रभावित हुए तीन दस क्लूजोट ने अपनी पहली लघु फिल्म लाटेरे डेस बैटिग्नोस जैक्स डी बैरोनसेली की एक पटकथा पर बनाई यह फिल्म तीन कलाकारों के साथ पंद्रह मिनट की कॉमेडी है पांच फिल्म इतिहासकार और आलोचक क्लॉड बेली ने बताया कि यह लघु फिल्म आश्चर्य जनक रूप से छाया और प्रकाश व्यवस्था के विरोधाभासों के अभिव्यंजक उपयोग के साथ बनाई गई थी जिसे क्लूजोट ने वर्षों बाद बनाई जाने वाली पूर्ण लंबाई वाली विशेषताओं पर उपयोग किया होगा पांच क्लूजोट की बात की पत्नी इनेस डी गोंजालेज ने 2004 में कहा कि लाटेरे डेस बैटिग्नोल्स ने क्लूजोट की प्रतिष्ठा में कुछ भी नहीं जोड़ा पांच बर्लिन में क्लूजोट ने एडोल्फ हिटलर के लिए कई परेड देखी और इस बात से हैरान थे कि जर्मनी में जो कुछ हो रहा था उससे फ्रांस कितना बेखबर था एक उन्नीस में एडोल्फ ओसो और पीरे लाजारिफ जैसे यहूदी फिल्म निर्माताओं के साथ दोस्ती के कारण क्लूजोट को यूएफए स्टूडियो से निकाल दिया गया था एक 1935 में क्लूजोट को तपेदिक का पता चला और उन्हें पहले हाउते साबोई और फिर स्विट्ज़रलैंड भेजा गया जहां वह कुल मिलाकर लगभग पांच वर्षों तक बिस्तर पर पड़े रहे दस सेनेटोरियम में क्लूजोट का समय उनके करियर पर बहुत प्रभावशाली होगा बिस्तर पर पड़े रहने के दौरान क्लूजोट ने लगातार पढ़ा और अपनी स्क्रिप्ट को बेहतर बनाने में मदद करने के लिए कहानी कहने की प्रक्रिया सीखी दस क्लूजोट ने सेनेटोरियम में अन्य लोगों की नाज़ुक प्रकृति का भी अध्ययन किया एक इस अवधि के दौरान क्लूजोट के पास बहुत कम पैसा था र उनके परिवार और दोस्तों ने उन्हें वित्तीय और नैतिक समर्थन प्रदान किया एक जब तक क्लूजोट सेनेटोरियम छोड़कर पेरिस लौटा तब तक द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ चुका था एक ग्यारह फ्रांसीसी सिनेमा बदल गया था क्योंकि उनके परिचित कई निर्माता नाजीवाद से बचने के लिए फ्रांस भाग गए थे एक क्लूजोट की स्वास्थ्य समस्याओं ने उन्हें सैन्य सेवा से दूर रखा एक, एक एक नौ तीन नौ में उनकी मुलाकात अभिनेता पियरे फ्रेस्ने से हुई जो पहले से ही फ़्रांस में एक स्थापित फिल्म स्टार थे क्लूज़ोट ने फ्रेस्ने की एकमात्र निर्देशित फिल्म ले डुएल की पटकथा लिखी साथ ही उनके लिए दो नाटक भी लिखे ऑन प्रिंट लेस मिम्स जिसे दिसंबर 1940 में प्रदर्शित किया गया था और कॉमेडी एंड प्रोयस एक्टेस जिसे 1942 में प्रदर्शित किया गया था बारह स्क्रिप्ट लिखने के बावजूद फ़िल्मों और नाटकों के लिए क्लूज़ोट इतने गरीब थे कि उन्होंने ने फ्रांसीसी गायक एडिथ पियाफ़ को गीत बेचने की कोशिश की जिन्होंने उन्हें ख़रीदने से इनकार कर दिया तेरह द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी द्वारा फ्रांस पर आक्रमण के बाद और उसके बाद जर्मन कब्ज़े के दौरान अक्टूबर 1940 में जर्मन संचालित फ़िल्म निर्माण कंपनी कॉन्टिनेंटल फिल्म्स की स्थापना की गई थी चौदह कॉन्टिनेंटल के निदेशक अल्फ्रेड ग्रेविन क्लूजोट को जानते थे बर्लिन और उन्हें लेखक स्टेनिस्लास आंद्रे स्टीमन की कहानियों को अनुकूलित करने के लिए काम की पेशकश की ग्यारह चौदह क्लूजोट को जर्मनों के लिए क कर। काम करने में असहजता महसूस हुई लेकिन उसे पैसे की सख्त ज़रूरत थी और वह ग्रीवेन के प्रस्ताव को अस्वीकार नहीं कर सका एक कॉन्टिनेंटल के लिए क्लूजोट की पहली फिल्म स्टीमन के रहस्यमय उपन्यास सिक्स होम्स मोर्ड्स सिक्स डेडमैन का रूपांतरण थी ग्यारह क्लूजोट ने पटकथा लिखते समय अभिनेत्री सूजी डेलेयर से प्रभावित होकर फिल्म का नाम ले डरनियर डे सिक्स रख दिया जिससे उन्हें अपने द्वारा निभाए जाने वाले चरित्र का नाम चुनने की अनुमति मिल गई एक प्रारंभिक निर्देशन कार्य एक नौ चार दो एक नौ चार सात ले डर्नियर डी सिक्स की सफलता के बाद क्लूजोट को कॉन्टिनेंटल के पटकथा लेखन प्रभाग के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया था पंद्रह क्लूजोट ने अपने दूसरे स्टीमन रूपांतरण पर काम शुरू किया जिसका वह निर्देशन भी करेंगे जिसका नाम द मर्डरर लाइव्स एट नंबर इक्कीस होगा इसमें फ्रेसने और डेलेयर ने वही भूमिकाएं निभाई जो उन्होंने ले डर्नियर डी सिक्स में निभाई थीं एक छः एक नौ चार दो में रिलीज हुई यह फिल्म दर्शकों और समीक्षकों के बीच लोकप्रिय थी सत्रह क्लूजोट की अगली फिल्म ले कॉर्ब्यू थी जो 1922 में जहरीली कलम स ये पत्र भेजने वाली एक महिला की सच्ची कहानी पर आधारित थी अठारह ग्रेविन क्लूजोट द्वारा इस फिल्म को बनाने के खिलाफ थे उनका कहना था कि यह विषय खतरनाक था 18 ले कार्ब्यू आखिरी फिल्म होगी जिस पर फ्रेस्ने और क्लूजोट एक साथ काम करेंगे फिल्मांकन के दौरान क्लूजोट ने अभिनेता को क्रोधित करने के लिए सभी संभव तरीकों का इस्तेमाल किया था एक और फ्रेस्ने की पत्नी यवोन प्रिंटेम्स के साथ झगड़ा होने के बाद फ्रेस्ने और क्लूजोट ने अपनी दोस्ती तोड़ दी बारह ले कार्ब्यू को फ्रांस में बड़ी सफलता मिली इस के शुरुआती रिलीज़ के पहले महीनों में लगभग दो लाख पचास हज़ार लोगों ने इसे देखा उन्नीस ले कॉर्ब्यू को उन्नीस में रिहा किया गया था और इसने दक्षिणपंथी विची शासन वामपंथी प्रतिरोध प्रेस और कैथोलिक चर्च के बीच विवाद पैदा कर दिया था 20 कैथोलिक चर्च ने फिल्म को दर्दनाक और कठिन अपनी जटिलता में लगातार रुग्ण माना इक्कीस विची प्रेस ने इसे रेवोल्यूशन नेशनल का विरोधी करार दिया और इसके अनैतिक मूल्यों के कारण इसे प्रतिबंधित करने की मांग की बाईस फ्रांसीसी जनता के नकारात्मक चित्रण के कारण नाजी विरोधी प्रतिरोध प्रेस ने इसे नाजी प्रचार माना तेईस ले कॉर्ब्यू की रिलीज से दो दिन पहले कॉन्टिनेंटल फिल्म ने क्लूजोट को निकाल दिया एक फ्रांस की मुक्ति के बाद क्लूजोट और कई अन्य निदेशकों पर जर्मनों के साथ सहयोग करने के लिए अदालत में मुकदमा चलाया गया 18 अपनी सजा के लिए क्लूजोट को जीवन भर किसी भी फिल्म के सेट पर जाने या फिल्म कैमरे का उपयोग करने से प्रतिबंधित कर दिया गया था एक 18 क्लूजोट को फिल्म निर्माताओं और कलाकारों जीन कोक्ट्यू रेने क्लेयर मार्सेल कार्ने और जीन पॉल सार्थ्र से समर्थन पत्र मिले जो इस फैसले के खिलाफ थे 20 बाद में क्लूजोट की सजा को उम्र से घटाकर दो साल कर दिया गया किसी माफी या अपील का लेख करने वाला कोई आधिकारिक दस्तावेज नहीं है 18 फिल्मांकन से अपने दो साल के निर्वासन के दौरान क्लूजोट ने अपने समर्थकों में से एक जीन पॉल सार्त्र के साथ काम किया जोले कॉर्ब्यू का बचाव करने वाले पहले लोगों में से एक थे 18 फिल्म निर्माण और प्रशंसा में वापसी एक नौ चार सात एक नौ छह शून्य क्लूजोट का प्रतिबंध हटने के बाद उन्होंने 1940 के दशक के अंत में क्वाइडेस और फेवर्स और मैनन जैसी फिल्मों के साथ अपनी प्रतिष्ठा और लोकप्रियता को फिर से स्थापित किया चौबीस क्वाइडेस फेवर्स के लिए क्लूजोट ने लेखक स्टेनिस्लास आंद्रे स्टीमन से उनके उपन्यास लेगिटाइन डिफेंस की एक प्रति मांगी जिसे एक फिल्म में रूपांतरित किया जा सके क्लूजोट ने उनके पढ़ने के लिए उपन्यास आने से पहले ही पटकथा लिखना शुरू कर दिया था एक पच्चीस क्वाइडेस और फेवरेस्ट उन्नीस में रिलीज हुई थी और यह फ्रांस में चौथी सबसे लोकप्रिय फिल्म थी जिसने उस वर्ष 5.5 दशमलव मिलियन दर्शकों को आकर्षित किया था उन्नीस क्लूजोट ने दो फ़िल्मों का निर्देशन और लेखन किया जो उन्नीस में रिलीज हुई छब्बीस मैनन के लिए वह अज्ञात अभिनेताओं को कास्ट करना चाहते थे उन्होंने मुख्य भूमिका के लिए एक अभिनेत्री की तलाश में स्कूलों की खाक छानी और 700 से अधिक लड़कियों को देखने के बाद 17 वर्षीय सेसिल ऑबरी को चुना एक मैनन को 1948 में रिलीज किया गया था और फ्रांस में तीन चार मिलियन फिल्म दर्शकों ने इसे देखा था और साथ ही वेनिस फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन लायन भी जीता था उन्नीस क्लूजोट ने लघु फिल्म ले रिटोर डी जीन का निर्देशन और लेखन किया जो एंथोलॉजी फिल्म रिटर्न टू लाइफ का हिस्सा थी छब्बीस ले रिटोर डी जीन उस छोटी अवधि से प्रभावित थे जब क्लूजोट 1930 के दशक की शुरुआत में जर्मनी में रहते थे और इसमें लुई जॉवेट ने एक एकाग्रता शिविर के जीवित बचे व्यक्ति की भूमिका निभाई थी जिसे एक घायल नाजी युद्ध अपराधी मिलता है जिससे वह पूछताछ करता है और यातना देता है एक तीन क्लूजो की अगली फिल्म कॉमेडी एट सा मेरे थी जो वित्तीय विफलता थी फिल्म के निर्माण के दौरान क्लूजोट की मुलाकात वेरा गिब्सन अमाडो से हुई जिनसे उन्होंने 15 जनवरी 1950 को शादी की एक उन्नीस क्लूजोट और वेरा अपने हनीमून के लिए एक फिल्म क्रू को अपने साथ वेरा की मातृभूमि ब्राज़ील ले गए जहां क्लूजोट ने अपना पहला प्रयास किया एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म का निर्देशन करते समय ब्राज़ील सरकार ने क्लूजोट द्वारा ब्राज़ील के अधिक सुरमय भागों के बजाय झुग्गियों में लोगों की गरीबी को फिल्माने का मुद्दा उठाए एक फिल्म कभी पूरी नहीं हुई क्योंकि लागत बहुत अधिक हो गई थी क्लूजोट इस क्षेत्र से मोहित हो गए और उन्होंने अपनी यात्रा का वर्णन करते हुए एक पुस्तक ले शेवल डेस डाइक्स लिखी एक तीन क्लूजोट ने लेस डायबोलिक्स के अधिकार खरीद लिए जिससे अल्फ्रेड हिचकॉक का उन्हें खरीदने का प्रयास रुक गया सत्ताईस फ्रांस लौटने पर उन्हें दक्षिण अमेरिका में रहने वाले एक प्रवासी जॉर्जेस अर्नौर्ड द्वारा लिखित एक स्क्रिप्ट की पेशकश की गई जिसने वहां अपने अनुभवों के बारे में लिखा था क्लूजोट को स्क्रिप्ट की सेटिंग की कल्पना करना आसान लगा और वह अर्नौर्ड की कहानी को फिल्माने के लिए बहुत उत्सुक थे उन्होंने अपने भाई जीन क्लूजोट के साथ फ़िल्म द वेज ऑफ फ़ियर लिखना शुरू किया जो जेरोम गेरोनिमी के नाम से उनकी बात की सभी फिल्मों में उनके साथ सहयोग करेगा एक द वेजेज ऑफ फियर पर निर्माण 1951 से उन्नीस तक चला 28 यथा यथासंभव स स्वतंत्रता हासिल करने के लिए क्लूजोट ने वेरा फिल्म्स नाम से अपनी खुद की प्रोडक्शन कंपनी बनाई जिसका नाम उन्होंने अपनी पत्नी के नाम पर रखा अट्ठाइस द वेज ऑफ फियर में एकमात्र महिला भूमिका उनके द्वारा निभाई गई है क्लूजोट ने यह भूमिका विशेष रूप से अपनी पत्नी के लिए लिखी थी क्योंकि यह चरित्र मूल उपन्यास में मौजूद नहीं है एक द वेज ऑफ फियर एक दक्षिण अमेरिकी शहर के बारे में है जहां हताश पुरुषों के एक समूह को तेल के कुएं में लगी आग को बुझाने के लिए उबड़ खाबड़ इलाके में नाइट्रोग्लिसरीन ले जाने वाले ट्रक को चलाने के लिए पैसे की पेशकश की जाती है उनतीस द वेज ऑफ फियर उन्नीस सौ तिरपन में फ्रांस की दूसरी सबसे लोकप्रिय फिल्म थी और इसे लगभग सात मिलियन दर्शकों ने देखा था इसने कांस फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चार्ल्स वेनेल के लिए का पुरस्कार जीता उन्नीस क्लूजोट की अगली बड़ी हिट लेस डायबोलिक्स थी जिसकी पटकथा उन्होंने निर्देशक अल्फ्रेड हिचकॉक से ली थी एक लेस डायबोलिक्स में एक क्रूर प्रधानाध्यापक की कहानी शामिल है जो अपनी पत्नी और उसकी मालकिन पर क्रूरता करता है दोनों महिलाओं ने उसकी हत्या करने और उसके शव को स्विमिंग पूल में फेंकने की साजिश रची लेकिन जब पूल खाली हो गया तो कोई लाश नहीं मिली तीन शून्य एक नौ पांच चार में लेस डायबोलिक्स ने सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म के लिए लुइस देलुप पुरस्कार और न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल पुरस्कार जीता तीन एक एक नौ पाँच शून्य के दशक के शुरुआती और मध्यकाल में द वेज ऑफ फियर और लेस डायबोलिक्स फिल्मों के साथ क्लूजोट को अंतर्राष्ट्रीय आलोचकों और दर्शकों ने पूरी तरह से अपना लिया दोनों फिल्मों की स्क्रीनिंग और समीक्षा अमेरिका के साथ साथ फ़्रांस में भी की गई और उन्हें दशक की सर्वश्रेष्ठ थ्रिलर में दर्जा दिया गया दो चार एक नौ पांच पांच में क्लूजोट ने स्पेनिश चित्रकार पाब्लो पिकासो के बारे में वृत्तचित्र द मिस्ट्री ऑफ पिकासो का निर्देशन किया यह फिल्म पिकासो की पंद्रह अलग अलग कृतियों की ड्राइंग या पेंटिंग का अनुसरण करती है जिनमें से सभी को फिल्म के निर्माण के बाद जानबूझकर नष्ट कर दिया गया था बत्तीस क्लूजोट और पिकासो पुराने परिचित थे जब क्लूजोट चौदह वर्ष के थे तब उनकी मुलाक़ात हुई थी एक द मिस्ट्री ऑफ पिकासो ने कांस फिल्म फेस्टिवल में जूरी पुरस्कार जीता लेकिन फ्रांस में यह वित्तीय विफलता थी इसके शुरुआती प्रदर्शन के दौरान केवल सैंतीस हजार फिल्म दर्शकों ने इसे देखा था उन्नीस सौ छप्पन एक नौ तीन दो एक नौ आठ चार में फ़्रांस सरकार द्वारा फ़िल्म को राष्ट्रीय ख़जाना घोषित किया गया था चौबीस क्लूजोट की अगली फीचर फिल्म लेस एस्पियंस थी जो उन्नीस में रिलीज हुई थी लेस एस्पियंस में वेरा क्लूजोट कर्ड जुर्गेंस सैम जाफ और पीटर उस्तीनो सहित दुनिया भर के कलाकार शामिल थे लेस एस्पियंस क्लूजोट की पत्नी वेरा के लिए आखिरी अभिनय भूमिका होगी जो लेस डायबोलिक्स फिल्माने के बाद से गंभीर हृदय समस्याओं से पीड़ित थीं एक लेस एस्पियंस एक जर्जर सैनिटेरियम में स्थापित है जिस पर अंतर्राष्ट्रीय जासूसों का कब्जा है जासूसों में से एक ने परमाणु विस्फोटक उपकरण का आविष्कार करने का दावा किया है जो रूस ई और अमेरिकी जासूसों का ध्यान आकर्षित करता है तैतीस लेस एस्पियंस को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज नहीं किया गया था और यह फ्रांस में वित्तीय विफलता थी उन्नीस क्लूजोट ने बाद में स्वीकार किया कि उन्हें लेस एस्पियंस का केवल पहला दो तिहाई हिस्सा ही पसंद आया एक निर्माता राहुल लेवी ने सुझाव दिया कि क्लूजोट की अगली फिल्म में ब्रिगिट बार्डोट को मुख्य अभिनेत्री के रूप में दिखाया जाना चाहिए जवाब में क्लूजोट ने ला वेरिटे की पटकथा लिखी एक चौंतीस बारडोट ने डोमिनिक मार्सेव की भूमिका निभाई है जिस पर इतालवी उच्चारण जिसे यवेस के नाम से जाना जाता है, फ्रेंच फोर एम टी तेरह अक्टूबर उन्नीस सौ इक्कीस नौ नवंबर उन्नीस सौ इक्यानवे एक इतालवी मूल के फ्रांसीसी अभिनेता और गायक थे उन्हें फ्रांस के बीसवीं सदी के महानतम कलाकारों में से एक कहा जाता है एक प्रारंभिक जीवन मोन्टैंड का जन्म इवोलिवी के रूप में इटली के मोंसुमानो टर्मे में झाड़ू निर्माता जियोवानी लिवी के यहाँ हुआ था दो तीन मोन्टैंड की मां ग्यूसेपिना सिमोनी एक कट्टर कैथोलिक थीं। बेनिटो मुसोलिनी के फांसीवादी शासन के बाद परिवार 1923 में इटली छोड़कर फ्रांस चला गया चार वह मार्सिले में पले बढ़े जहां एक युवा व्यक्ति के रूप में उन्होंने अपनी बहन के ब्यूटी सैलून सैलून डी कोयफर में काम किया साथ ही बाद में डॉक पर भी काम किया उन्होंने एक संगीत हॉल गायक के रूप में शो व्यवसाय में अपना करियर शुरू किया उन्नीस में उन्हें पेरिस में एडिथ पियाफ द्वारा खोजा गया था उसने उसे अपने अभिनय का हिस्सा बनाया प्रशस्ति पत्र आवश्यक कैरियर यह अनुभाग को सत्यापन के लिए अतिरिक्त प्रशंसा पत्र की जरूरत है कृपया इस अनुभाग में विश्वसनीय स्रोतों से उद्धरण जोड़कर इस लेख को बेहतर बनाने में मदद करें बिना सूत्रों की सामग्री को चुनौती देकर हटाया जा सकता है नवंबर 2015 हजार पंद्रह जाने की इस टेम्पलेट संदेश को कैसे और कब हटाना है मोन्टैंड ने कई फिल्मों में अभिनय करते हुए एक गायक और अभिनेता के रूप में अंतरराष्ट्रीय पहचान हासिल की उनके पहचाने जाने योग्य क्रोनर गाने खासकर पेरिस के बारे में तुरंत क्लासिक बन गए वह ब्रूनो कोकवाट्रिक्स के पेरिस ओलंपिया संगीत हॉल में सबसे प्रसिद्ध कलाकारों में से एक थे और उन्होंने दीदी डुप्रैट सहित संगीतकारों के साथ दौरा किया अक्टूबर उन्नीस में उन्होंने थिएटर डे लेटोले में मैस सी क्यू जाई हेनरी बेट्टी द्वारा संगीत और एडिथ पियाफ द्वारा गीत गाया बेट्टी ने उनसे सेस्ट सी बॉन गाने के लिए भी कहा लेकिन मोन्टैंड ने मना कर दिया 1948 में सॉर्स एटीएन द्वारा इस गीत की रिकॉर्डिंग की सफलता के बाद उन्होंने इसे रिकॉर्ड करने का निर्णय लिया मोन्टैंड सोवियत संघ और पूर्वी यूरोप में भी बहुत लोकप्रिय थे जहां उन्होंने उन्नीस सौ छप्पन में एक संगीत कार्यक्रम का दौरा किया था पांच अपने करियर के दौरान मोन्टैंड ने अमेरिकी मोशन पिक्चर्स के साथ साथ ब्रॉडवे पर भी अभिनय किया उन्हें 1980 में आई कमे आई केयर के लिए और फिर उन्नीस में गार्कोन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के सीजर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था उन्नीस में अंतर्राष्ट्रीय बॉक्स ऑफिस पर उनकी पकड़ काफी कम हो जाने के बाद पैंसठ वर्षीय मोन्टैंड ने जीन डे फ्लोरेट में षड्यंत्रकारी चाचा के रूप में जेरार्ड डेपर्डियू और मैनन डे सोरसेज के सह कलाकार के रूप में अपने सबसे यादगार प्रदर्शनों में से एक दिया दोनों उन्नीस सह कलाकार इमैनुएल बेयर्ट यह फिल्म दुनिया भर में बेहद हिट रही और इसने अमेरिका में मोन्टैंड की छवि को पुनर्जीवित कर दिया जहां उन्होंने लेट नाइट विद डेविड लेटरमैन में उपस्थिति दर्ज कराई छे व्यक्तिगत जीवन उन्नीस के कांस फिल्म समारोह में मोन्टैंड उन्नीस में उन्होंने सिमोन सिग्नोरेट से शादी की और उन्होंने अपने करियर के दौरान कई फिल्मों में अभिनय किया सभी खातों के अनुसार विवाह काफ़ी सामंजस्यपूर्ण था जो उन्नीस में उनकी मृत्यु तक चला हालांकि मोन्टैंड के कई अच्छी तरह से प्रचारित मामले थे विशेष रूप से मर्लिन मुनरो के साथ जिनके साथ उन्होंने उनकी आखिरी फ़िल्मों में से एक लेट्स मेक लव में अभिनय किया था वह सिग्नोरेट की पूर्व शादी से पैदा हुई बेटी कैथरीन एलेग्रेट का सौतेला पिता था मोन्टैंड की एकमात्र संतान वैलेंटिन उनकी दूसरी पत्नी कैरोल एमियल जन्म 1960 से उनका बेटा का जन्म 1988 में हुआ था फ्रांस को हिलाकर रख देने वाले पितृत्व मुकदमे में एक अन्य महिला ने मोन्टैंड पर उसकी बेटी का पिता होने का आरोप लगाया और अदालत में चली गई उससे एक डीएनए नमूना प्राप्त करें मोंटैंड ने इनकार कर दिया लेकिन महिला उसकी मृत्यु के बाद भी कायम रही एक अदालत के फैसले में जिसने अंतरराष्ट्रीय सुर्खियां बटोरी महिला ने मोन्टैंड को कब्र से निकालने और एक नमूना लेने का अधिकार जीत लिया सात नतीज उसे संकेत मिला कि वह शायद लड़की का जैविक पिता नहीं था आठ उन्होंने 1950 और 1960 के दशक के दौरान वामपंथी कारणों का समर्थन किया और कम्युनिस्ट उत्सवों और बैठकों में भाग लिया बाद के जीवन में उन्होंने दक्षिणपंथी कारणों का समर्थन किया no. सिग्नोरेट और मोन्टैंड का ऑथुल ऑथोइलेट नॉर्मंडी में एक घर था जहां मुख्य गांव की सड़क का नाम उनके नाम पर रखा गया है अपने बाद के वर्षों में उन्होंने नवंबर उन्नीस में दिल का दौरा पड़ने से अपनी मृत्यु तक सेंट पॉल डेविंस प्रोविंस में एक घर बनाए रखा दस एक साक्षात्कार में जीन जैक्स बेनिक्स ने कहा एची की मृत्यु हो गई सेट आईपी पांच का दी आइलैंड ऑफ पचीडर्म्सर आखिरी दिन उसके आखिरी शॉट के बाद यह आखिरी रात थी और हम रिटेक कर रहे थे वह जो कर रहा था उसे पूरा कर लिया और फिर उसकी मृत्यु हो गई और फिल्म एक बूढ़े आदमी की कहानी बताती है जो दिल का दौरा पड़ने से मर जाता है जो वही हुआ था ग्यारह मोन्टैंड को पेरिस में पेरे लाचिस कब्रिस्तान में उनकी पहली पत्नी सिमोन सिग्नोरेट के बगल में दफनाया गया है 2004 में सिग्नोरेट की निर्देशक यवेस एलेग्रेट से पहली शादी से हुई बेटी कैथरीन एलेग्रेट ने अपनी आत्मकथा अनमोन्डे ए लाइनवर्स ए वर्ड अपसाइड डाउन में आरोप लगाया कि पाँच साल की उम्र से उसके सौतेले पिता ने उसका यौन शोषण किया था ज़ाहिर तौर पर उनका व्यवहार कई वर्षों से जारी है बारह और जैसे जैसे वह बड़ी होती गई उसका उसके प्रति बहुत अधिक अस्पष्ट रवैया हो गया तेरा हालांकि उसने यह भी दावा किया कि उसके जीवन के बाद के वर्षों में उसका उसके साथ मेल मिलाप हो गया था चौदह चार्ल्स मैरी वेनेल इक्कीस अगस्त अठारह सौ बानवे पंद्रह अप्रैल उन्नीस सौ नवासी एक फ्रांसीसी अभिनेता और निर्देशक थे 1923 में शुरू हुए अपने पैंसठ साल के फिल्मी करियर के दौरान उन्होंने 200 से अधिक फिल्मों में काम किया एक और कई प्रमुख निर्देशकों के साथ काम किया जिनमें अल्फ्रेड हिचकॉक लुइस बुनवेल जैक्स फेडर और हेनरी जॉर्जेस क्लूजोट शामिल थे उन्हें शायद क्लूजोट की द वेजेज ऑफ फेयर में एक हताश ट्रक ड्राइवर की भूमिका के लिए सबसे ज्यादा याद किया जाता है जिसके लिए उन्हें उन्नीस सौ तिरपन में कांस फिल्म फेस्टिवल में विशेष उल्लेख प्राप्त तो हुआ था दो जीवनी प्रारंभिक जीवन चार्ल्स मैरी वेनेल का जन्म ब्रिटनी के रेनेस में हुआ था एक तीन वह एक समुद्री यात्रा करने वाले परिवार से थे और उनके माता पिता व्यापारी थे जो बारह साल की उम्र में पेरिस चले गए एक उन्हें उन सभी स्कूलों से निष्कासित कर दिया गया जहां उन्होंने पढ़ाई की थी उन्होंने नौसेना में भर्ती होने की कोशिश की लेकिन उनकी खराब दृष्टि के कारण उन्हें अस्वीकार कर दिया गया तीन उन्नीस सौ आठ में उन्होंने हेमलेट में अभिनय करते हुए थिएटर में प्रदर्शन करना शुरू किया तीन एक उनकी पहली फिल्म उन्नीस में रॉबर्ट पेग्यू द्वारा निर्देशित जिम क्रो थी तीन उन्हें जुलाई 1915 में प्रथम विश्व युद्ध के लिए लामबंद किया गया था लेकिन सितंबर में मानसिक विकारों का पता चला और उन्हें घर भेज दिया गया युद्ध के दौरान उन्होंने कई नाट्य यात्राएं की विशेष रूप से लुसिएन गुइट्री के निर्देशन में अमेरिका का दौरा तीन खुद को विशेष रूप से सिनेमा के लिए समर्पित करने से पहले वह थिएटर एंटोनी में फिरमिन गेमियर थिएटर कंपनी के सदस्य बन गए तीन उनका पहला बड़ा अनुबंध रूसी निर्माताओं जोसेफ एर्मोलियफ और एलेक्जेंडर कामेंका के साथ था तीन जिन्होंने उन्हें स्टेनिस्लावस्क की प्रणाली का उपयोग करना सिखाया फिल्मी करियर उन्होंने एक अभिनेता के रूप में एक सफल करियर शुरू किया 1910 और 1920 के दशक में कई मुख्य फिल्मों में दिखाई दिए विशेष रूप से क्रूर और कड़वे पात्रों की भूमिकाओं में उन्होंने अपनी असली फिल्म की शुरुआत रॉबर्ट बॉड्रियोस की टिलर्स ऑफ द सॉइल से मानी जिसे 1919 में एबेल गैन्स द्वारा निर्मित किया गया था लेकिन रिलीज के लिए रोक दिया गया था वह अलेग्जेंड्रे वोलकॉफ की दस भाग वाली धारावाहिक फिल्म द हाउस ऑफ मिस्ट्री उन्नीस में भी दिखाई दिए जिसने दर्शकों और आलोचकों को प्रसन्न किया तीन वह जैक्स डी बैरोनसेली द्वारा निर्देशित छह फिल्मों में दिखाई दिए जिनमें पेरे लोटी के उपन्यास पर आधारित पेच्योर डी आईलैंड उन्नीस भी शामिल है जो दशक की सबसे लोकप्रिय फ्रांसीसी फ़िल्मों में से एक थी और इसमें वेनेल की अधिक रेंज और गहराई दिखाई गई थी दी बैरोनसेली के अन्य नाटकों में समुद्री नाटक निचे वो उन्नीस सौ और फू शामिल हैं उन्नीस सौ तीन साउंड फिल्मों के आगमन के साथ उनकी आवाज़ और उनके द्वारा दिए गए बदलावों ने रंगीन भूमिकाओं की एक विस्तृत श्रृंखला के साथ एक चरित्र अभिनेता के रूप में उनकी लोकप्रियता को मजबूत किया 1930 के दशक की शुरुआत में उन्होंने पाथे नाटन के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए और रेमंड बर्नार्ड पाथे के मुख्य निर्देशक मोट मार्ट्रे 1931 की तीन फिल्मों में एक दलाल की भूमिका निभाई प्रथम विश्व युद्ध के पैदल सैनिक के रूप में वुडन क्रॉस 1932 और लेस मिजरेबल्स 1933 में हैरी बाउर के साथ जावर्ट के रूप में तीन उन्हें एक्सिस्ट स्टैंड अप में मॉरिस तुरनूर द्वारा निर्देशित भी किया गया था 1930 और डांस हॉल 1931 दोनों में गैबी मोरले भी थे वह जैक्स फेडर द्वारा निर्देशित ले ग्रांड ज्यू उन्नीस में एक बारकीपर के रूप में और अनातोले लिटवाक के एलेक्विपेज उन्नीस में एक एयरमैन के रूप में दिखाई दिए तीन 1930 के दशक के मध्य से फ्रांस में काव्यात्मक यथार्थवाद फ़िल्म आंदोलन ने उन्हें मार्सेल कार्ने की पहली फिल्म जेनी 1936 और जूलियन डुविवियर के पॉपुलर फ्रंट ड्रामा बेले इक्विप में देखा जिसमें वह जीन गेबिन के दोस्त और रोमांटिक थे प्रतिद्वंद्वी अगले वर्ष वह क्रिश्चियन जैक द्वारा निर्देशित द रेल पायरेट्स में एरिच वॉन स्ट्रोहेम के साथ और 1938 में कर्ट बर्नहार्ट द्वारा क्रॉसरोड्स में जूल्स बेरी के साथ दिखाई दिए उन्नीस में वह ला लोई नॉर्ड में मिशेल मॉर्गन और पेरे रिचर्ड विम का शिकार करते हैं वे एक कनाडाई माउंटी के रूप में दिखाई दिए तीन अधिकृत फ्रांस में उन्होंने कभी काम करना बंद नहीं किया लेकिन उनके क्रेडिट कम थे वह जीन पॉल पॉलिन द्वारा निर्देशित द मार्वलस नाइट में फर्नांडेल के साथ दिखाई दिए उनकी सर्वश्रेष्ठ फिल्मों और भूमिकाओं में से एक जीन ड्रेमिलन की द वुमन हु डेयर थी जिसमें उन्होंने मेडिलीन रेनॉर्ड के साथ अभिनय किया था दूसरी थी जीन ड्रेविले की लेस अफेस सोंट लेस अफेस उन्नीस तीन उन्नीस में फ़्रांस की मुक्ति के समय वह फ्रांसीसी प्रतिरोध से चिंतित थे उन्होंने बताया कि मार्शल पेटेन के लिए उनका समर्थन प्रथम विश्व युद्ध के अनुभवी के रूप में उनकी यादों के कारण था विनेल ने विची फ्रांस की ज्यादतियों की निंदा की और सबसे ऊपर एक देशभक्त होने के नाते जर्मनों के साथ सहयोग का समर्थन नहीं किया युद्ध के बाद उनके करियर में गिरावट आई और उन्हें अब बैंक योग्य नहीं माना जाता था 1948 से उन्होंने इटली में बड़े पैमाने पर दौरा किया और कई इतालवी फिल्मों में दिखाई दिए जिनमें पिएत्रो जर्मी की इन द नेम ऑफ द लॉ उन्नीस भी शामिल है तीन डर की मजदूरी हेनरी जॉर्जेस क्लूजोट ने उन्हें ट्रैक पर वापस लाने में मदद की उन्हें द वेज ऑफ फियर उन्नीस सौ तिरपन में सह कलाकार के रूप में चुना जहां उन्होंने एक सख्त ट्रक ड्राइवर की भूमिका निभाई जो धीरे धीरे अपनी आंतरिक कमजोरी को प्रकट करता है विनिल ने कांस फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता तीन विनिल को दो साल बाद लेस डायबोलिक्स और द ट्रूथ 1960 में क्लूजोट द्वारा फिर से निर्देशित किया गया था वह जूलियन डुविवियर द्वारा लिखित एले फेयर मॉरिजियस उन्नीस और सच्चा गुइटरी के रॉयल अफेस इन वर्सेस उन्नीस में अभियोजक के रूप में भी दिखाई दिए तीन उन्होंने एले फेयर मॉरिजियस के लिए कार्लोवी वेरी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता फ्रेंच रिवेरा पर शूट की गई उनकी एकमात्र हॉलीवुड प्रोडक्शन में उन्होंने बर्टनी नामक एक रेस्तरां मालिक की भूमिका निभाई और अल्फ़्रेड हिचकॉक की उन्नीस की फ़िल्म टू कैच ए थीफ में कैरी ग्रैंड द्वारा निभाए गए किरदार के दोस्त थे एक उन्नीस में लुइस बुनवेल की डेथ इन द गार्डन में वह सिमोन सिग्नोरेट के साथ दिखाई दिए तीन वह उन्नीस के सैन सेबेस्टियन अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फ्यू ऑक्स पॉड्रेस के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता थे टेलीविजन फ्रांसीसी टेलीविजन के विकास ने उन्हें नए अवसर दिए और उन्नीस में उन्होंने लेस थिबॉर्ट में एक पिता के रूप में जीत हासिल की जो रोजर मार्टिन डुगार्ड के उपन्यास का रूपांतरण था वह इस दशक के दौरान बहुत सक्रिय रहे विशेष रूप से एटोर्स कोला द्वारा निर्देशित द मोस्ट वंडरफुल इवनिंग ऑफ माय लाइफ में जज की भूमिका में 1970 के कांस फ़िल्म फेस्टिवल में उन्हें विशेष श्रद्धांजलि दी गई चार उन्हें 1975 में सेप्ट मोर्ट्स सुर ऑर्डिनेंस के लिए सीज़र अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए नामांकन मिला और उन्नीस में उन्हें अपने करियर के लिए मानद सीज़र पुरस्कार मिला को रोजी ने उन्हें इलस्ट्रिय कॉर्प्स उन्नीस और थ्री ब्रदर्स उन्नीस में उनके कुछ बेहतरीन बाद के प्रदर्शनों में निर्देशित किया जहां लगभग नब्बे के दशक में उन्होंने अपुलिया के एक बूढ़े किसान का किरदार निभाया जिससे उसके तीन बच्चे मिलने आते हैं तीन इटली में उन्होंने सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का डेविड डी डोनाटेलो पुरस्कार जीता उन्नीस में उन्होंने मिरेल मैथ्यू के साथ लावी रिएन नेवा एस्ट लागाना रिकॉर्ड किया उनकी आखिरी फिल्म 1988 में जीन पेरे मौकी की फिल्म लेस सेशंस डू प्लेसर में थी निर्देशन विनेल ने उन्नीस में अपनी एकमात्र फीचर फिल्म डांस ला नुइट का निर्देशन किया 1931 में उन्होंने पेरे लार्की और गैब्रियल गैब्रियो के साथ एक और लघु फिल्म अफेयर क्लास की शूटिंग की जो 1935 में लेकूप डे मिनट शीर्षक के तहत रिलीज हुई तीन 2002 में फिल्म निर्माता बर्ट्रेंड टैवर्नियर के अनुरोध पर लुईस क्लैबिस ने डांस लानोइट के लिए संगीत तैयार किया और रिकॉर्ड किया मृत्यु विनिल कांस के पास प्रोविंस कोटे डीजूर में मॉन्स सार्टॉक्स में सेवानिवृत्त हुए जहां वह अर्लेटबेली एक नौ दो आठ दो शून्य एक पाँच के साथ रहते थे एक उनकी तीसरी पत्नी जो उनसे छत्तीस साल छोटी थीं शुक्रवार 14 अप्रैल उन्नीस नवासी की रात को उन्हें कांस में अस्पताल में भर्ती कराया गया और अगले दिन सुबह तड़के उनकी मृत्यु हो गई एक उनकी राख का कुछ हिस्सा मेंटन के तट पर बिखरा हुआ था बाकी को मॉगिन्स या मॉन्स सार्टॉक्स के कब्रिस्तान में रखा गया था पुरस्कार उन्नीस सौ तिरपन कांस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव विशेष उल्लेख द वेजेज ऑफ फियर उन्नीस सौ चौवन कार्लोवी वैरी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एले फेयर मॉरिजियस उन्नीस सैन सेबेस्टियन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ले फ्यू ऑक्सपॉड्रेस उन्नीस उनके करियर के लिए मानद सीजर पुरस्कार उन्नीस डेविड डी डोनाटेलो पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता थ्री ब्रदर्स पीटर वैन आइक जन गोट्स वॉन आइक सोलह जुलाई उन्नीस सौ ग्यारह पंद्रह जुलाई उन्नीस सौ उनहत्तर एक जर्मन अमेरिकी फ़िल्म और टेलीविज़न अभिनेता थे प्रशिया पोमेरानिया में जन्मे वह 1930 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए और एक चरित्र अभिनेता के रूप में अपना करियर स्थापित किया द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वह अपने मूल देश लौट आए और पश्चिम जर्मन सिनेमा के स्टार बन गए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी सबसे प्रसिद्ध भूमिकाओं में द वेज ऑफ फियर उन्नीस सौ तिरपन मिस्टर अरकार्डिन उन्नीस सौ पचपन द लॉन्गेस्ट डे उन्नीस सौ बासठ द स्पाई हु केम इन फ्रॉम द कोल्ड उन्नीस सौ पैंसठ और उन्नीस सौ साठ के दशक की डॉक्टर माबूस फिल्में शामिल हैं उन्हें दो बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के जर्मन फिल्म पुरस्कार ब्लाइंड जस्टिस (1961) और द रिवर लाइन उन्नीस के लिए नामांकित किया गया था जीवनी वैन आइक का जन्म पोमेरानिया (1945 से पोलैंड का हिस्सा के एक कुलीन जर्मन परिवार में हुआ था एक हाई स्कूल से स्नातक होने के बाद उन्होंने बर्लिन में संगीत का अध्ययन किया तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने इस एक तरह से बेहतरीन मूवी के बारे में जाना तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा आइकन दबा कर से सेट कर लीजिएगा ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोज़ है वो आप तक पहुँचती रहे तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में